गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप जो हॉलेज रोडवे में सेफ्टी डिवाइस होती है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 92 के तहत जो दी गई है, साथ ही ईएमटी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी डीजी देशमुख के सेकंड थर्ड वॉल्यूम में जो दी हुई है उसके तहत हम लोग इसकी पूरी वीडियो या क्लास जो हम लोग देखने वाले हैं देखना चालू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी उसके पहले भी मैं हॉलेज रोडवे की सेफ्टी डिवाइसेस डाल चुका हूं, लेकिन इसमें मैं ईएमटी के जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी डिवाइसेस हैं, उसको भी एड अप करने वाला हूं। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो सबसे पहला जो 4A सब रेगुलेशन है, 92 का 4A जो सब रेगुलेशन है उसमें स्टॉप ब्लॉक की चर्चा करता है। जब पैरेलल रेल यानी एक ट्रैक जब आप देखते हैं जिसमें सेट ऑफ टब जो है गुजरती है, तो उसमें जो टॉप मोस्ट पोर्शन होती है वहां पर एक वुडन ब्लॉक हिंज्ड की जाती है और उस वुडन ब्लॉक को हम लोग एक तरफ सरका करके रखते हैं, लेकिन जब लूस या ट्रेन जब ऊपर की ओर चढ़ जाती है तो इसको ऑन कर देते हैं यानी कि लगा देते हैं, जिससे अगर रस्सा टूटती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लूस यानी कि सेट ऑफ ट्रब मूव न कर सके, यहीं पर डिरेल्ड हो जाए, ताकि हॉलेज लाइन में काम करते हुए जो वर्कर्स हैं एम्प्लॉय हैं वो सुरक्षित बने रहें, एक्सीडेंट होने की संभावना न रहे। तो ये स्टॉप ब्लॉक हो गई आपकी, ये जो है स्टॉप ब्लॉक हो गई जो आपको ये टॉप मोस्ट पोर्शन में लगी हुई है। इसके साथ ही स्टॉप ब्लॉक जब फेस हमारी फेस के नजदीक लोडिंग पॉइंट रहती है और स्लोप्ड रहती है फेस, तो उस केस में हम लोग वहां पर भी जो है स्टॉप ब्लॉक लगाते हैं। मैं जैसे कि दिखाने का प्रयास किया हूं कि फेस के पास भी लगी रहती है क्या जी स्टॉप ब्लॉक, जैसे यहां पर भी दिखाई देती है वो उस समय वहां पर वो कहलाती है बफर। तो ए हो गई स्टॉप ब्लॉक 4A में। 4B की बात करेंगे तो 4B में रनवे स्विच एक काटा पॉइंट लगा रहता है, जिसको मैं यहां पर दिखाने की कोशिश किया हूं कि ये काटा पॉइंट जो है लगी हुई है और ये काटा पॉइंट के थ्रू लाइन को डिसमेंटल यानी कि लाइन को थोड़ा ब्रेक करने के लिए एक अलग से रॉड लगी रहती है जो पाइवोटेड रहती है, और इसको ही हम लोग रनवे स्विच कहते हैं। और ये जो रनवे स्विच है स्टॉप ब्लॉक से एक प्रॉपर डिस्टेंस पर रहती है, जिससे संबंधित आपसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछता है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो एक लूस होती है यानी कि एक लूस यानी कि जितना एक ट्रेन में नंबर ऑफ टब होते हैं उसकी लंबाई के से अधिक होनी चाहिए, एक लूस से अधिक होनी चाहिए। अगर एक लूस आपका 20 मीटर का है तो वो 20 मीटर से अधिक होना चाहिए, 21 मीटर होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी एक लूस प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा कि एक लूस की लंबाई 20 मीटर है तो 20 मीटर और प्लस 10 मीटर जोड़ दीजिए तो 30 मीटर होती है, तो 20 मीटर से 30 मीटर के बीच में हो गई अगर एक लूस की लेंथ 20 मीटर है। तो इससे संबंधित आपको घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है कि एक लूस की लेंथ अगर 25 मीटर है तो इंटरकपल्ड स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच की डिस्टेंस कितनी होनी, कितने से कितने के बीच होना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर 25 मीटर लूस की लेंथ है तो 25 से 35 मीटर के बीच में होनी चाहिए, किसके बीच का डिस्टेंस स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बीच में जो इंटरकपल्ड रहती है अल्टरनेट ऑपरेशन के थ्रू टब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड रन अवे को रोकने के लिए काम में लाई जाती है। अब तीसरी जो 4C में सब रेगुलेशन 4C में जो दिया हुआ है बैक स्टे या ड्रैग, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब अपवर्ड डायरेक्शन में टब का सेट ऊपर जाती है तो सबसे पिछले वाली टब के एक्सल के साथ एक हम लोग हुक जैसा ब्लॉक रेल का ब्लॉक लगाते हैं जिसको बैक स्टे या ड्रैग कहते हैं। ये जब कपलिंग टूट जाती है या रस्सा टूट जाता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रन अवे रनिंग बैक होने को रोकने के लिए ये जो है लगाई जाती है, ये
पोर्शन जमीन के अंदर गड़ जाती है और वहीं पर टब को डिरेल्ड कर देता है, गिरा देता है। तो बैक स्टे और ड्रैग जो होती है बिहाइंड इससे एसेंडिंग टब, एसेंडिंग टब यानी कि ऊपर चढ़ती हुई टब के सबसे आखिरी टब में ये लगाई जाती है और कहे के लिए फॉर प्रिवेंट रनिंग बैक के लिए कर दी जाती है, फिर से बैक में रनिंग ना हो इसके लिए लगाई जाती है। बट फॉर मैं यहाँ लिखा हूं इंडलेस हॉलेज में ऑटोमेटिक कैचेज लगाने की बात कही गई है, जो कि 4KC में कहा गया है। ऑटोमेटिक कैचेज जो होती है मंकी या बैक कैच भी कहलाती है। ये जो आप फिगर बना हुआ देख रहे हैं, इस फिगर में आपके एक जो रेल की पीस होती है वो स्टील रेल पीस जो होती है वो फिक्स ब्लॉक के साथ पाइवोटेड रहती है, किसके बीच में, ट्रैक के बीच में। जब लूस जो होती है, इंडलेस हॉलेज जो होती है, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जा, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आसानी से एक्सल इसको दबा करके इस पोजीशन में ले आता है, इस तरीके से पोजीशन में ले आता है ये वुडन पीस को, और इस तरह से इसको पार करके आगे निकल जाती है। लेकिन किसी कारण से रस्से से जो लेसिंग चेन से आप बांधे हुए हैं लूस को, टब को, तो वो अगर खुल जाती है और टब जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रनवे करने लगती है, तो उस केस में ये जो आपकी उठी हुई पोर्शन है, क्योंकि ये जैसे ही पार होती है टब का एक्सल इससे पार होता है तो फिर से अपने ओवन पोजीशन में आ जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है, और जैसे ही एक्सल फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है तो ये जो है एक्सल को कैच कर लेती है और वहीं पर उसके आगे नहीं जाने जाती, इसलिए इसको मंकी कैच या बैक कैच के नाम से जाना जाता है। मैं यहां पर लिखा हूं कैच द एज व्हेन बैकवर्ड रनवे, जब बैकवर्ड रनवे होता है तो एज एक्सल को, एक्सल को क्या कर देता है, कैच द एक्सल, एक्सल कैच द एक्सल व्हेन बैकवर्ड रनवे। तो ये हो गई आपकी सेफ्टी हुक, जिसको सेफ्टी हुक या जिसको मंकी कैच या बैक कैच भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है जो कि इसी रेगुलेशन में, सब रेगुलेशन में 4D में ही दिया गया है, जॉज रोल, जो कि बैकवर्ड रनवे जो टब होती है यानी अधिक स्पीड से जब आपकी लूस अनकंट्रोल्ड वे में भागती है तो उस केस में ये जिगजॉग मोशन में जिगजाग पाथ तैयार किया जाता है कुछ दूरी तक। तो ये जो जिगजाग पाथ तैयार की गई है ट्रैक की ही, रेल की पटरी की ही जिगजाग ट्रैक तैयार की जाती है, इसे ही जो है जॉज रेल कहता है। और यहां पर निर्धारित से अधिक स्पीड में अगर लूस पार होना चाहेगी तो डिरेल्ड हो जाएगी, गिर जाएगी, उससे आगे नहीं जा पाएगी, तो इसको जॉज रेल कहा जाता है। और प्रिवेंट फॉरवर्ड रनवे के लिए, फॉरवर्ड रनवे के लिए। तो अब आते हैं 4E, जो सब रेगुलेशन 92 का 4E में दिया गया है, क्या दिया है, टब रिलेलर, प्रत्येक 250 मीटर के इंटरवल पर एक टब रिलेलर रखी जाती है जो कि गिरे हुए टब को, यानी कि जो चक्का टब का लाइन से नीचे उतर गई है उसको पुनः उठा करके लाइन पर रिरेल करने के लिए टब रिलेलर लगाई जाती है, जो 250 मीटर से अधिक इंटरवल पर नहीं होगी, यानी 250 मीटर के अंदर ही रखी जाएगी। 4F जो सब रेगुलेशन है, 92 का 4F जो होती है वो सिग्नलिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। ये कहा गया है कि जब हॉलेज लाइन की लेंथ 30 मीटर से अधिक हो जाती है तो उस केस में हमको सिग्नलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि ये 30 वोल्ट से ऑपरेटेड होती है। और इसी में लिखा हुआ है कि आपका जो जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट होगी वो सेकेंड और थर्ड डिग्री के सीमाइंस के लिए इंट्रिंसिकली सेफ होगी। इंट्रिंसिकली सेफ की परिभाषा आप जानते होंगे, ऐसा बिजली का सर्किट जिसमें उसकी बनावट इस प्रकार से होती है कि अगर किसी कारण से स्पार्क डेवलप हो तो वो स्पार्क इतनी कम इंटेंसिटी की होती है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस में एक्सप्लोजन कराने में अक्षम रहती है, तो उसको इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट कहा जाता है। तो ये इंट्रिंसिकली 30 वोल्ट से बिलो वाले जितने सर्किट होते हैं वो इंट्रिंसिकली सेफ कहलाते हैं। तो आप सिग्नलिंग अरेंजमेंट जो होगी वो 30 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर काम नहीं करेगी। यहां पर जो पावर सप्लाई करने की बात है सिग्नलिंग अरेंजमेंट में, वो जो होती है लेक्लांसी सेल
या फिर ड्राई सेल से पावर सप्लाई की जाती है जो सेपरेट ट्रांसफार्मर से प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गई आपकी क्या चीज 4F जो सब रेगुलेशन है जिसमें सिग्नलिंग अरेंजमेंट की बात करता है, सिग्नलिंग अरेंजमेंट की बात करता है। ये सिग्नलिंग अरेंजमेंट अगर बहुत लंबी रास्ते तक के लिए गई हुई है जिसमें वायर की लेंथ इतनी अधिक हो जा रही है कि जिससे रेजिस्टेंस अधिक हो जा रहा है, तो इस केस में जब हॉलेज रोडवे की लेंथ अधिक बहुत अधिक रहती है तो उसको जो सिग्नल है उसको ऑडिबल नहीं हो पाता। मैं यहाँ 4F में लिखा हूं कि रिले, जो इसके लिए रिले का यूज किया जाता है RELAY, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम की जाती है फॉर लॉन्ग रोडवे वेयर सिग्नल्स नॉट ऑडिबल ड्यू टू रेजिस्टेंस मोर, यानी रेजिस्टेंस जब मोर हो जाती है तो उस केस में हमको सिग्नल यानी ऑपरेटर को जो हॉलेज ऑपरेटर है उनको सिग्नल नहीं सुनाई देती है, तो इसके लिए रिले स्थापित की जाती है। ये देखिए रिले का मैं डायग्राम बनाने का कोशिश किया हूं, EMT से यहां पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, जो कि आपका जो बेयर वायर है ये बेयर वायर के साथ ये देखिए एक सोलेनाइड लगी रहती है। जैसे ही बैटरी से ये जो आपकी सोलेनाइड है आपकी एनर्जाइज होती है तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फलस्वरूप ये जो कनेक्टिविटी है कनेक्शन जुड़ जाती है और इस तरीके से यहाँ पर जो दी हुई बेल ये बेल जो है बजने लगती है। तो ये रिले प्रोवाइड की जाती है टू वायर सिग्नल सिस्टम विथ रिले के लिए जो कि सेपरेट बैटरी के लिए लगती है। जैसा मैं पहले भी बता चुका कि ड्राई सेल रहती है लेक्लांसी सेल रहती है, सेपरेट बैटरी फॉर रिले एंड बेल सर्किट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 4F जो 4 का आपका F था 4 का F जो था उसमें EMT से आप रिले का सेफ्टी डिवाइस के रूप में आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपने जाना कि जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट होती है वो 30 मीटर से अधिक और 30 वोल्ट से अधिक नहीं पर काम करती है। 30 मीटर से अधिक लंबाई अगर हॉलेज रोडवे की है तो आप इसको अप्लाई करते हो लेकिन इसमें 30 वोल्ट से अधिक करंट नहीं सप्लाई होती है। अब इसमें सिग्नलिंग अरेंजमेंट की बात की WCL और ACCL के कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं या DGMS के एग्जाम देने वाले हैं जो गेट के एग्जाम देने वाले हैं उनसे ये पूछ सकता है कि एक जब हम लोग रैप बजाते हैं घंटे बजाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, तो स्टॉप होता है जब आप रनिंग में रहती है हॉलेज तो एक घंटे बजाने पर स्टॉप सिग्नल होती है। दूसरी घंटी का मतलब होता है स्लो धीरे धीरे लोअर डाउन करना है नीचे उतारना है। तीसरा में अगर इंजन जो है आपके क्लोज्ड है तो उस केस में 3 घंटे बजाने पर इंजन को स्टार्ट करना है और 4 घंटे पर जो रेजिंग करनी है मतलब कि रेज्ड अप करनी है धीरे धीरे 4 घंटे पर हैबिज करनी है जिसको हिंदी में बोला जाता है तो रेज्ड अप करनी रहती है। तो छठवें सब रेगुलेशन पर आते हैं। छठवां सब रेगुलेशन कहता है कि यदि हॉलेज लेंथ की लंबाई 300 मीटर से अधिक हो जाती है 300 मीटर से मोर हो जाती है या शाफ्ट के बॉटम से जो लेंथ है वो 300 मीटर से अधिक हो जाती है तो उस केस में टेलीफोन की अरेंजमेंट करनी पड़ती है और ये टेलीफोन भी जो है डिग्री सेकंड और थर्ड गैसीय माइंस में इंट्रिंसिकली सेफ होनी चाहिए। ये हो गई छठवें नंबर में। अब आते हैं 11वें नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैन होल के नाम से जानी जाती है। तो मैन होल 10 मीटर के इंटरवल में हॉलेज लाइन के एक तरफ बनाई जाती है जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसमें इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि जो हॉलेज लाइन में काम कर रहे वर्कर्स होते हैं या इंस्पेक्शन टीम रहती है जब कभी लूस या सेट ऑफ ट्रब जो है गुजरती है तो उस समय व्यक्ति इसमें आकर के शरण लेते हैं अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो ये 10 मीटर के इंटरवल पर लगी रहेगी लेकिन अगर ग्रेडियंट ढाल 1:6 से कम है तो वैसे स्थिति में ये 20 मीटर के इंटरवल पर आप इसको बना सकते हैं। तो ये चीज आपकी पूछी जाती है कब बनाना है। अब आते हैं किस साइज की रहती है, तो इसकी जो हाइट होगी अपनी हाइट जो लगभग इंडियन मैन की जो हाइट होती है 6 फीट होती है जिसको 1.8 मीटर कहते हैं, तो 1.8 मीटर से कम हाइट की नहीं होगी। पहली बात, अगर जो पोल सीम की हाइट है वो आपकी 1.5 मीटर की है तब आप मैन होल की हाइट कितना रखोगे, प्रश्न का कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर दीजिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो 0.75 से लेकर 1 मीटर के बीच में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है,
ताकि तब अगर इस डायरेक्शन में घुसने का प्रयास करें तो उसकी इतनी चौड़ाई नहीं होती कि यहाँ आकर के वो फंस जाती है, भीतर घुस नहीं पाते और लोग सुरक्षित भी बने रहते हैं। इसलिए इसकी साइज जो चौड़ाई है 0.75 मीटर से 1 मीटर के बीच में रखी जाते हैं और इसकी गहराई जो है 1.2 मीटर से कम नहीं होगी। तो हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगी, चौड़ाई 1.2 मीटर से कम नहीं होगी और गहराई 1.2 मीटर से कम नहीं होगी और जो चौड़ाई की बात करते हैं 0.75 to 1 मीटर से कम नहीं होगी। तो ये आपने साइज देख लिया मैन होल का, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछती है। अब आते हैं जो इसी मैन होल पर कि मैन होल इनलेस हॉलेज में जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए आप छूट ले सकते हैं। इनलेस हॉलेज में मैन होल की जरूरत नहीं पड़ती है, इनलेस हॉलेज में याद रखिएगा। 12 नंबर में आते हैं जो कि जो हमारी साइज ऑफ मैन होल है उसमें कहा जाता है जिसमें हॉलेज रोड की हाइट 1.8 मीटर से, अगर रोड की हाइट 1.8 मीटर से कम है तो रीजनल इंस्पेक्टर आपकी उससे हॉलेज रोड की हाइट 1.8 मीटर से कम है, 1.5 मीटर है जो का प्रश्न का है, तो उसको फुल हाइट तक बनाने की बात होती है। रीजनल इंस्पेक्टर क्रॉस गैलरी को मैन होल पर बनाने के लिए छूट दे, क्रॉस गैलरी को मैन होल पर इसमें हॉलेज लाइन ना हो। तो यहाँ पर रीजनल इंस्पेक्टर क्रॉस गैलरी को मैन होल के रूप में उपयोग करने के लिए कह सकते हैं, आदेश ले सकते हैं उनसे, इसमें हॉलेज लाइन नहीं होनी चाहिए। क्रॉस गैलरी यानी कि जब आप मेन गैलरी में आप जा रहे हैं जिसमें हॉलेज लाइन बैठी हुई है, तो अगर उसको कोई एक गैलरी क्रॉस कर रही है जिसमें लोग का आना जाना हो रहा है, तो ऐसे केस में उस क्रॉस गैलरी में शरण लेने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। 14वें नंबर पर आते हैं, ये जो मैन होल होती है वो 0.3 मीटर ऑल अराउंड जो है व्हाइट वॉश करनी होती है। तो ये व्हाइट वॉश से संबंधित हम लोग कहें कि अरेंजमेंट जो रहती है व्हाइट की वो 0.3 मीटर ऑल अराउंड जो है करनी पड़ती है। इसकी क्लियरेंस की बात करें 18वें नंबर में कि साइड से जो हॉलेज ट्रैक होती है उसके बीच का या एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच का जो इंटरवल होगा वो 1 मीटर से कम नहीं होगा, क्लियर स्पेस नहीं होगा। क्लियर स्पेस कहने का मतलब उसके बीच में कोई अवरोध, पत्थर, रोड़ा, सिल्ली आदि नहीं रखनी है। आते हैं 19 नंबर में जो कि बफर के नाम से जानी जाती है। बफर क्या कहलाती है, कहाँ लगती है, ये फेस के सामने लगती है या कोई रोड जो होती है जो हॉलेज रोडवे है उसके सामने एक कोई रोड गई है जिसमें लोग आने जाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप एक वुडन का ब्लॉक लगाते हो, वुडन का ब्लॉक ही कहलाती है फेस, जो कि डीप डायरेक्शन में जाते हुए फेस पर काम कर रहे वर्कर को सेव करने का कोशिश करती है। 20 नंबर में अगर शाफ्ट के बॉटम के पास ढाल है, ढाल इसे होती हुई आपकी टब लोड करने का काम की जा रही है, तो उसके नजदीक भी एक स्टॉप ब्लॉक लगाने की काम करते हैं, या मेन हॉलेज के सामने कोई ब्रांच लाइन है या ट्राम लाइन है तो वहां पर भी स्टॉप ब्लॉक लगाने की बात करते हैं। तो हमने ये देख लिया 20 नंबर का जो सब रेगुलेशन था उसके तहत। अब मैं कुछ जो ड्रॉप वार्बिक है, ये भी जो रूफ के पास जो है वार्बिक टंगी रहती है उसको मैं एक मैन ऑपरेट करता है, तो वो जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हॉलेज मूव कर रही है तो वो जो है नीचे की ओर जो वार्विक है गिर जाती है और आते हुए हॉलेज को उससे टकरा करके हॉलेज लाइन हॉलेज जो है वहीं पर टब जो है गिर जाती है, तो ये ड्रॉप वार्विक भी आपकी एक सेफ्टी डिवाइस हो गई। 22 नंबर में आप देखिएगा हाइड्रोलिक ट्रब रिटार्डर फॉर लोकोमोटिव हॉलेज। हाइड्रोलिक ट्रब रिटार्डर होती है जो हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करती है, जो लोकोमोटिव हॉलेज में काम में लाई जाती है, तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइसेस है। आप स्प्रेक्स की बात करेंगे, वुडन स्प्रेक्स, लकड़ी के स्प्रेक्स जो होती है वो टब को स्लो करने के लिए जो एक्सपर्ट ट्रामर होते हैं वो स्पोक्स व्हील के स्पोक्स के बीच में वो वुडन स्प्रेक्स को फंसाते हैं जिससे टब की स्पीड जो है कम हो जाती है या उसको रोका जाता है। तो स्किलफुली इंसर्टेड बिटवीन स्पोक्स ऑफ रनिंग टब व्हील को, रनिंग जो व्हील होती है टब व्हील उसको रोकने के लिए काम में लाई जाती है स्पोक्स के बीच में फंसा करके। अब 4F में बात कर लिए हम लोग किसके, जो कि रिले की बात है, इसमें लास्ट जो आपकी है मैकेनिकल ब्रेक जो होती है, इसमें कई ब्रेक जिसको पोस्ट ब्रेक जनरली यूज होता है, ड्रम के किनारे में फ्लेंज के किनारे में एक पाथ बनी होती है जिसके ऊपर एस्बेस्टस की लाइनिंग करके पोस्ट ब्रेक का हम लोग या फिर कई अन्य ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोस्ट ब्रेक हो गई, मैकेनिकल ब्रेक के प्रकार में देखेंगे पोस्ट ब्रेक, कैलिपर ब्रेक, बैंड और
स्ट्रैप ब्रेक, डिस्क ब्रेक या फिर थ्रस्टर ब्रेक जो होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का जिसमें सोलेनाइड के साथ जो है ये एक्शन में आती है, तो ये कैलिपर ब्रेक वाइंडिंग वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दिए होंगे, शेयर करके उनको भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा फ्रेंड्स। कल की वीडियो में फिर से हम लोग नए इक्विपमेंट, नए रेगुलेशन, नए टॉपिक के साथ जो है क्लास में फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।